हे गर्ल्स, दिस इज़ मी सुखप्रीत और इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कैसे मैं अपने बालों को घर पे डाई करती हूँ, हेयर कलरिंग के लिए घर पे किस तरीके से मैं अपने बालों को डाई करती हूँ, कलर किस तरीके से करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि सफ़ेद बाल जो हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएँ। और आज मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल पैरिस का नो अमोनिया एक्सलेंस क्रीम हेयर कलर। ये नया हेयर कलर है लॉरियल की तरफ से। अगर आपको याद होगा, पहले वाला जो लॉरियल एक्सलेंस क्रीम आता था उसमें अमोनिया होता था, तो ये लॉरियल पैरिस ने न्यू हेयर कलर लॉन्च किया है जिसमें कोई अमोनिया नहीं है और ये पुराने हेयर कलर से बिल्कुल अलग है। मेरे पास दो शेड अवेलेबल हैं, लाइट ब्राउन और ऐश्वर्या ब्राउन, और मैंने आप लोगों से पूछा था मैं कौन सा हेयर कलर यूज़ करूँ और ज़्यादातर कॉमेंट्स आए थे लाइट ब्राउन हेयर कलर के ऊपर। आप लाइट ब्राउन हेयर कलर के साथ हमें बता दीजिए। सो ये वाला है पुराना पैकेजिंग लॉरियल पैरिस का एक्सलेंस क्रीम ट्रिपल हेयर कलर, जिसमें कि तीन स्टेप आते थे और ये वाले तीन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप होता था प्रोटेक्टिव सीरम का, ताकि बालों को कोई डैमेज ना हो। उसके अलावा सेकंड स्टेप होता था कलर और डेवलपर का, और कोम्ब एप्लीकेटर आता था, और तीसरा स्टेप होता था कंडीशनर का। लेकिन ये जो नया वाला है नो अमोनिया, जिसमें बिल्कुल अमोनिया नहीं है, उसमें पहला स्टेप है ये क्रीम डेवलपर और कलरिंग क्रीम का 1A और 1B। ये पहला स्टेप है जिसमें आपको इन दोनों को मिक्स करना है और कोई भी कोम्ब एप्लीकेटर इसमें नहीं दिया गया है। सेकंड स्टेप, इसमें शैम्पू अवेलेबल है। इसमें ये जो नया वाला नो अमोनिया हेयर कलर है लॉरियल का, इसमें उन्होंने आफ्टर कलर करने के बाद बालों की देखभाल के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप दिए गए हैं। तो जैसे एक शैम्पू दिया है और तीसरा स्टेप यहाँ पे फ्रेंच ऑयल नरिशिंग मास्क दिया गया है। सो मेरे पास यहाँ पे पुराना जो लॉरियल एक्सलेंस क्रीम में कंडीशनर आता था वो भी अवेलेबल है, क्योंकि इससे पहले मैंने मार्च में ही लिया था ऐश्वर्या ब्राउन हेयर कलर और मैंने यूज़ भी किया था 1.5 महीने पहले। सो दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो। उसमें जो थर्ड स्टेप था वो प्रोटेक्टिव कंडीशनर था, लेकिन इसमें ये नरिशिंग मास्क है। और उसके बाद यहाँ पे ग्लव्स भी अवेलेबल हैं जो पहले पैकेजिंग में भी थे, और इंस्ट्रक्शन लीफलेट है जिसमें दो मेथड दिए गए हैं हेयर कलर को अप्लाई करने के लिए। अगर आप रूट टचअप कर रहे हो घर पे तो कैसे करना है, या ओवरऑल पूरे बालों को अगर आप डाई करना चाहते हो तो किस तरीके से कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और हाँ गर्ल्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप अगर पतले बालों की हेयर स्टाइल और सिंपल आसान मेकअप करने के तरीके देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे स्कैल्प के ऊपर कितने ज़्यादा ग्रे हेयर हैं सामने की तरफ, और क्राउन सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा सफ़ेद बालों का इशू है। मुझे लंबाई में लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर नहीं है, सिर्फ रूट से लेके 3 या 4 इंच की एरिया तक ही जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं। लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लाइट ब्राउन हेयर कलर के साथ हेयर डाई किस तरीके से होते हैं ये देखना चाहते हैं, इसलिए मैं पूरे अपने बालों के ऊपर आपको हेयर कलर अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। मैं रूट टचअप नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने जो स्टेप 1, स्टेप A और स्टेप B था, इन दोनों प्रोडक्ट को मिक्स कर लिया है, और मैं यही बॉटल यूज़ करने वाली हूँ। अच्छी तरह से हिला के मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और हेयर कलर अप्लाई करने से पहले, ताकि कोई भी जो आपका हेयर डाई है आपकी स्किन के ऊपर ना लग जाए, प्रोटेक्शन के तौर पर मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल अप्लाई कर रही हूँ अपनी फोरहेड पे और कान के ऊपर वाले एरिया पर। आप वैसलीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉपर बॉटल की मदद से ही मैं हेयर डाई अपने बालों के ऊपर लगा रही हूँ। इसके ऊपर एक छोटा सा नोजल है जिसको आप सीजर से कट कर सकते हैं। ये पैकेजिंग बिल्कुल सिमिलर है लॉरियल के कास्टिंग क्रीम ग्लॉस पैकेजिंग के साथ। पुराने लॉरियल के एक्सलेंस क्रीम हेयर कलर में एक कोम्ब एप्लीकेटर आता था जिसके साथ ज़्यादा इवनली हेयर कलर स्प्रेड होता था, लेकिन वो अभी आपको नई पैकेजिंग में नहीं मिलेगा। मैंने नायका के ऊपर भी चेक किया, वहाँ पर भी ये जो कलर है वो न्यू पैकेजिंग में ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अमेजोन पर जाएंगे तो पे पुराने जो स्टॉक जिनके पास अवेलेबल होगा वो भी अभी सेल हो रहा है। तो अगर आप नया वाला ही लेना चाहते हैं तो ध्यान से देख लें कि कहीं आपको पुराना वाला प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहा, बिकॉज अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर दोनों पुराने और नए दोनों लॉरियल एक्सलेंस क्रीम हेयर कलर अवेलेबल हैं, जो एक अमोनिया के साथ है, दूसरा अमोनिया फ्री है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे सेक्शन कर रही हूँ ड्रॉपर बॉटल की मदद से ही, और उसके साथ ही मैं इवनली हेयर कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत छोटे सेक्शन ले रही हूँ क्योंकि मेरे सामने की तरफ बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हैं, हर तरह से पूरी तरह से सारे सफेद बाल अच्छी तरह से कवर कर रही हूं। सो फ्रंट सेक्शन को अच्छी तरह से मैं पूरा कलर अप्लाई करने के बाद मैंने क्राउन सेक्शन से हेयर का एक सेक्शन पिक किया है, ताकि पीछे की तरफ के जो बाल हैं वो भी अच्छी तरह से कलर हो जाएं। इसलिए मैं अपने हाथों के ऊपर कलर लेके उसको अच्छी तरह से अपने स्कैल्प एरिया पे, अपने जो पीछे के क्राउन एरिया है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और मैंने 2 बार यहाँ पे सेक्शन बनाया है ताकि जितने भी क्राउन सेक्शन के
हेयर हैं जो मुझे सामने की तरफ विजिबल नहीं हो रहे, वहाँ पे भी अच्छी तरह से हेयर कलर अप्लाई हो जाए। इसके बाद मैंने टूथब्रश के ऊपर लिया है थोड़ा सा हेयर कलर, और जो सामने के छोटे छोटे फाइन बेबी हेयर हैं उनके ऊपर, क्योंकि ड्रॉपर की मदद से अगर आप लगाओगे तो अच्छी तरह से कलर नहीं लग पाएगा, कोई भी बाल छूटे नहीं है वहाँ पर अच्छी तरह से हेयर कलर अप्लाई हो जाए, इसलिए आप ब्रश की मदद के साथ हेयर कलर लगा सकते हो। अगर आपके पास घर पर हेयर कलरिंग का कोई भी सामान नहीं है, कोई ब्रश वगैरह नहीं है, तो टूथब्रश के साथ भी आप बालों में डाई लगा सकते हो, हेयर कलर लगा सकते हो। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपके काफ़ी कमज़ोर बाल भी हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ड्रॉपर बॉटल ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके बाल खिंचते नहीं है और कलर लगाते समय भी बाल जो है वो टूटते झड़ते नहीं है, क्योंकि ब्रश में जो हेयर कलरिंग ब्रश होता है कभी कभी उसमें भी बाल अटक जाते हैं और बाल गिरने लगते हैं। अब पूरी लेंथ के ऊपर जो बचा हुआ हेयर कलर है मैं उसको इवनली अप्लाई कर रही हूँ। वैसे मेरे हेयर बहुत डार्क ब्राउन कलर के हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कलर चेंज हो पाएगा, बट लेट्स सी। उसके बाद मैंने क्लचर के साथ बालों को टक इन कर लिया है एंड सामने की तरफ जो भी बाकी के हेयर हैं, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो बचा हुआ है उसको भी अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी भी तरह का कोई भी मेरा ग्रे हेयर जो है वो अनकवर्ड रह जाए, ताकि मेरे सारे बाल अच्छी तरह से डाई हो जाए। सो इस तरीके से घर पर मैं हेयर कलर अप्लाई कर लेती हूँ। नाउ आधे घंटे का टाइमर है कि आधे घंटे तक आपको हेयर कलर बालों में रहने देना है, और उसके बाद मैं हेयर को वॉश करूंगी। अब वीडियो को आगे तक भी पूरा देखेगा जानने के लिए कि कंडीशनर और शैम्पू कैसा है। और अगर आप यही ड्रॉपर बॉटल का के साथ पूरे बालों को घर पे डाई करने वाले हो तो इस तरह से टूथब्रश को यूज़ कर लें, ताकि अंदर से जितना भी हेयर कलर है वो पूरी तरह से आप कंज्यूम कर पाएँ। सो इस तरीके से मैंने अच्छी तरह से हेयर कलर निकाल के प्रॉपरली अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर लिया है, ताकि कोई भी कलर है जो है प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट ना हो। सो जो मेरे ग्रे हेयर थे वो तो कवर हो गए हैं अच्छी तरह से, लेकिन ओवरऑल जो मेरे हेयर कलर है वो कहीं से भी चेंज नहीं हुआ है। मेरे बालों के ऊपर बस एक हल्का सा रेडिश ब्राउन टेंट आया है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी पूरी लंबाई में बाल सफ़ेद नहीं है तो पूरे लेंथ के ऊपर आप कलर अप्लाई ना करें। अगर आपको सिर्फ रूट टचअप करना है तो आप इस प्रोडक्ट को दो बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं जनरली दो बार ही यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे ये ज़्यादा इकोनॉमिकल लगता है। पूरी लंबाई में मुझे इसको लगाने का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता है। सो दिस इज़ अनदर टिप। सो मैंने बालों को वॉश कर लिया है और मेरे जो सफ़ेद बाल थे वो अच्छी तरह से कवर हो चुके हैं, उसका मुझे कोई डाउट नहीं था। इवन दो दिस इज़ अ नो अमोनिया फॉर्मूला, अच्छी तरह से बाल आधे घंटे में सारे कवर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं नई चीज़ों की, जो कि है सबसे पहले ये शैम्पू। सो ये शैम्पू की क्वान्टिटी इतनी है कि अगर आपके बाल मेरे जैसे हैं, इतनी लेंथ है, तो भी इसको दो बार यूज़ किया जा सकता है ना। अगर आप हेयर कलर के तुरंत बाद शैम्पू करते हो तो आपने नोटिस किया होगा थोड़ा बहुत जो कलर है वो शैम्पू के साथ निकलने लगता है। तो इसलिए मैंने इसको बहुत डर डर के अप्लाई किया। सो मैंने पहले लेंथ में लगाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मैंने इसको हल्के हाथों से स्कैल्प के ऊपर भी मसाज किया, लेकिन जब मैं इसको पूरे बालों में इस तरह से मसाज कर रही थी, अप्लाई कर रही थी शैम्पू को, तो मैंने नोटिस किया कि एक भी थोड़ा सा भी कलर जो है वो नहीं निकल रहा था। तो शैम्पू बहुत ही जेंटल है, बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कलर्ड हेयर के लिए सबसे बेस्ट शैम्पू होते हैं उस तरह का ही ये शैम्पू है। तो इसको अच्छी तरह से मैंने बालों के ऊपर मसाज किया एंड देन पानी भी डाला जब बालों के ऊपर, तो कोई भी कलर नहीं निकला। दैट वाज द थिंग विच आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू। तो शैम्पू मुझे अच्छा लगा, बट इसको यूज़ करने के बाद बाल थोड़े से ड्राई फील होते हैं। जब पूरा मैंने शैम्पू कर लिया, इसका टेक्सचर जेंटल है, माइल्ड है, लेकिन पानी के साथ वॉश करने के बाद आई डू फेल्ट कि मेरे हेयर थोड़े से ड्राई फील हो रहे हैं। और वहाँ पे उसके बाद मैंने यूज़ किया लॉरियल एक्सेलेंस क्रीम का ये स्टेप 3, जो कि है फ्रेंच रोज ऑयल नरिशिंग मास्क। सो इस मास्क की उन्होंने मेंशन की है वॉलनट कि जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। सो मैंने इतनी अमाउंट ली इस मास्क की, और जितना ये कंडीशनर ये मास्क दिया होता है, इसको एटलीस्ट मैं अपने बालों के ऊपर 3 से 4 बार यूज़ कर सकती हूँ। एंड उस क्वांटिटी को मैंने अच्छी तरह से पहले लेंथ पे अप्लाई किया, बिकॉज दिस इज अ कंडीशनर मास्क, और फिर धीरे धीरे मैंने थोड़े थोड़े ऊपर वाले एरिया पे अप्लाई किया। एंड अप्लाई करने के बाद 3 मिनट तक इसको छोड़ना है, और उसके बाद मैंने पानी के साथ वॉश कर दिया। ये वाला जो कंडीशनर है इसमें लिखा हुआ है कि कंडीशनर नहीं है, इसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये नरिशिंग मास्क है और इसमें फ्रेंच रोज ऑयल है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पुराने वाले जो स्टेप 3 था प्रोटेक्टिव कंडीशनर उससे काफ़ी अलग है, विच इज़ न्यू थिंग, और आपको डिफरेंस फील होगा जब आप यूज़ करोगे। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी है, मीठी मीठी सी खुशबू है, बालों में से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। सो अगेन, अगर आप इसको यूज़ करोगे न्यू वाले लॉरियल एक्सेलेंस क्रीम को, तो आपको डिफरेंस फील होगा कि ये जो स्टेप 3 है ये पुराने वाले
वाले प्रोटेक्टिव कंडीशनर से भी थोड़ा सा अलग है, बाल इंस्टेंटली स्मूथ कर देता है एंड दिस वन वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट इसकी इसमें जो फ्रेंच रोज ऑयल है आई थिंक वो बालों को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से नरिश करता है एंड इट मेक्स योर हेयर लुक मोर सॉफ्ट एंड इंस्टेंटली स्मूथ एज वेल. सो दैट्स इट. उसके बाद बस मैंने बालों को ड्राई कर लिया. नाउ एक चीज़ बाकी रह गई है, वो ये कि क्या ये नो अमोनिया न्यू जो लॉरियल का एक्सेलेंस क्रीम हेयर कलर है ये भी लॉन्ग लास्टिंग होगा जितना कि पहले वाला लॉरियल का एक्सेलेंस क्रीम हेयर कलर था. तो उसके लिए वेट करना होगा. आई विल बी कीप चेकिंग कि कितनी देर तक ये हेयर कलर मेरे बालों के ऊपर ये हेयर डाई लास्ट करती है. और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिएगा, हो सकता है मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँ. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अ फुल फ्लेज व्यू घर पे अपने बालों को डाई कैसे करना है, आपको घर हेयर कलर आप कैसे लगा सकते हो न्यू लॉरियल एक्सेलेंस क्रीम के हेयर कलर के साथ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.